बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात की। इस दौरान तेजस्वी ने बिहार राज्य में कई सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। गडकरी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए आरजेडी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तारीफ भी की। मेरा मानना है कि नितिन गडकरी जी बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं डेवलपमेंट को लेकर, और बिहार के जो कई पुराने जो प्रोजेक्ट्स जो 11 12 साल से जो रुके हुए थे उसको लेकर के उसको स्पीडियाइट कराने के लिए जो है बातचीत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये हुई है कि बिहार में एक भी अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं है, तो हम लोगों ने एक एक्सप्रेसवे का जो है वो डिमांड किया है। पिछले बार बिहार आए थे तो बक्सर तक हुआ था, उसको कहा गया था कि भागलपुर तक कर देने, लेकिन एक एक्सप्रेसवे हम लोग चाहते हैं वो हो, तो उसके लिए भी वो पॉजिटिव नजर आए। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के बाद नितिन गडकरी ने तेजस्वी यादव को अपनी हाइड्रोजन कार में अपने आवास से विदा किया। तेजस्वी यादव ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि नितिन गडकरी जी ने हाइड्रोजन कार की टेस्ट ड्राइव के लिए कहा है और उन्होंने इस कार में हमें अपने आवास से भेजा है। तेजस्वी यादव नितिन गडकरी की हाइड्रोजन कार से बिहार निवास पहुंचे। गौरतलब है कि नितिन गडकरी अपने इनोवेटिव सोच के लिए जाने जाते हैं और इको फ्रेंडली वाहन पर ज्यादा जोर देते रहते हैं। अपनी कार में बिहार के डिप्टी सीएम को बिठाकर उन्होंने एक बेहतर संदेश देने की कोशिश की है। हाइड्रोजन कार है नितिन जी, बोले कि ट्राई कर लीजिए। अच्छा। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तेजस्वी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की, तस्वीर भी शेयर की। तेजस्वी ने लिखा, आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से बिहार की सड़क परियोजनाओं के संबंध में सकारात्मक वार्ता हुई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।